ने बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जी का आज बयान मैंने देखा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शराब को लेकर उन्होंने टांटिंग की। मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने 10 देशों का जिक्र करते हुए शराब क्यों लागू, शराबबंदी क्यों नहीं होना चाहिए, इसका उदाहरण देते हुए आपने तर्क दिए थे। मेरे प्रश्न के उत्तर में जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं विपक्ष में एक विधायक की भूमिका निभा रहा था, तब शिवराज सिंह चौहान से मैंने अनुरोध किया था कि देश में, प्रदेश में शराबबंदी चूंकि बिहार में हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो तर्क समेत लिख के विधानसभा के पटल पे जो उत्तर दिया, उसमें उन्होंने 10 देशों का जिक्र करते हुए क्यों शराब बंदी नहीं हो सकती, इसके तर्क दिए थे। मैं हमेशा से कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का सत्ता में रहते हुए तर्क अलग होते हैं और सत्ता के बाहर जाते हुए तर्क अलग होते हैं। दोहरे मापदंड से पॉलिटिक्स करते हैं। झूठ की आदत इतनी बड़ी है उनको कि सत्ता में रहते थे 21,000 झूठ बोले, जिसकी घोषणाएं अधूरी रह गई। बात और काम करने का तरीका उनका ऐसा है कि नगर निगम 2 बनी तो उनको बनाने को लेकर उनको आपत्ति। एक घोषणा पत्र में, वचन पत्र में हमने कहा कि हम विधान परिषद बनाएंगे, उसका मैंडेट कमलनाथ जी को मिला, उसका विरोध करने शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल के पास गए। आप ये देखो कि वो जब चुनाव, कोई उपचुनाव होता था तो नगर पालिका नगर निगम की घोषणा ऐसे करते थे जैसे बाजार में खड़े होकर कोई भाषण दे रहे हो। तो हर तरीके से दोहरे मापदंड के आदि हो गए शिवराज सिंह चौहान।